भोपाल के श्री आदिनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर में विशेष तप साधना का आध्यात्मिक आयोजन किया गया। यह आयोजन 16 दिनों तक चलेगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ उनको आध्यात्म से जोड़ना है। आदिनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर में एक ऐसी गुफा तैयार की जा चुकी है जिसमें आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों ना हो तप कर सके, जिसमें सभी धर्मों के लोग आकर तप कर पाएंगे। और श्वेतांबर संघ के सचिव डॉक्टर शैलेश लुनावत ने बताया कि कोरोना के इस भीषण महामारी काल में लोगों में मनोबल की कमी आ गई है। लोगों का मन अशांत और भयभीत है, जिसको देखते हुए लोग इस गुफा के अंदर प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए आध्यात्म से जुड़ सकेंगे, जिसमें उनका मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि इस चतुर्मास का सबसे बड़ा आयोजन वर्धमान विद्या तप व अनुष्ठान 29 तारीख से हो रहा है, जो कि 16 दिनों तक चलेगा, जिसमें आदर्श रत्न जी मौन साधना करेंगे, जिसके लिए गुफा का निर्माण किया गया है। इस गुफा में समस्त पुरुष धर्मावलंबी साधना करेंगे। यह साधना प्रतिदिन 18 घंटे चलेगी। इसमें 7000 पुष्पों से पूजन किया जाएगा। गुफा में प्रतिमाओं की स्थापना भी की जाएगी। यह कार्यक्रम, जैसा मैंने बताया, वर्धमान विद्या आराधना तप, यह हमारे गुरुवर आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहब 16 दिवसीय इस तप में मौन धारण करके राजा भरत चक्रवर्ती के जमाने की एक गुफा थी, उस गुफा के प्रतिबिंब में कल रात्रि को मध्य 12 बजे प्रवेश करेंगे और 16 दिन इसी गुफा में लगभग 18 घंटे का जाप करेंगे। इस जाप की महत्ता यह है कि किसी भी शुभ कार्य के लिए हमें एक आत्मशक्ति चाहिए रहती है, विद्या चाहिए रहती है और स्वयं को जागृत करना पड़ता है। तो यह मेडिटेशन का, तप का, आराधना का एक बहुत अच्छा साधन है। और कल प्रातः 12:39 पर जिन प्रतिमाओं की स्थापना होगी और परसों सुबह से 7000 पुष्पों से कुसुमांजलि, पुष्पांजलि, उसके पश्चात शुद्ध चंदन एवं केसर का वाक्षसेप से भगवान की पूजन की जाएगी। 1000 श्रीफल चढ़ाए जाएंगे। प्रतिदिन पुरुष अपने साफ सुंदर श्वेत कपड़ों में यहाँ पर बैठ के इस गुफा में जाप कर सकते हैं, अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं। यह किसी के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के लोग यहाँ पर आकर एक घंटा, आधा घंटा, जितनी भावना हो मौन धारण करके अपना जाप कर सकते हैं। वो कहते थे, चार धाम की यात्रा किए बिना कहीं नहीं जाने वाला मैं। सरकार भी तब तीर्थ दर्शन योजना चला रही थी। बहुत ही कम सरकारें होती हैं जो भावनाओं को भी समझती हैं। जाने की पूरी तैयारी भी थी हमारी और फिर सरकार बदल गई और तीर्थ दर्शन योजना बंद हो गई। हम बुजुर्गों की आस्था को कुचला। जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। गरीब का पेट कभी भूखा ना रहे, ये सोचा भाजपा सरकार ने। गरीब की भूख किसी कार्ड की मोहताज ना रहे, ये सोचा भाजपा सरकार ने। गरीब को पैसे की कमी ना सताए, ये सोचा भाजपा सरकार ने। हर मुश्किल में भरोसा है, एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।